हेलो दोस्तों, शनि मूड में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी 10+2 वाला भर्ती आप जान रहे हैं। अभी कल ही जो नोटिस आया था, मैंने आपको बताया था कि सीट इंक्रीज हुआ है। अब जो टोटल सीट है 12,199 है, यानी अच्छा खासा सीट है। 12th पर जॉब है, तैयारी बेहतर कीजिएगा, रिजल्ट सियोर होगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है, इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। और आप जानते हैं कि बहुत दिनों बाद भर्ती आ रहा है, ठीक, यानी कि 2014-15 के बाद आपको दिखाई दिया 2023 में। अब आप लोग के मन में ये जो चल रहा है कि सर चुनाव है इसलिए भर्ती भी आ रहा है, बहुत अच्छा है कि नेता लोग का भी चुनाव है और आप लोगों का भी अब टेस्ट देने की बारी आ चुका है, यानी कि एग्जाम देने की बारी। कम से कम भर्ती आ रहा है, सरकार के शुक्रगुजार है कि भर्ती निकालिए जितना हो सके डिपार्टमेंट से। अब ये भी सीट अब बढ़ेगा, ये जो आप सीट देख रहे हैं ना 12,199, ये भी सीट बढ़ेगा आप देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत से डिपार्टमेंट से सीट नहीं आए हैं तो वो बढ़ेगा। लेकिन मोटा मोटी आप लेकर चलिए कि अभी आपको इसी को दिमाग में रखना है। और इसका 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, इसका खासियत ये होता है कि इसमें जो रिजल्ट दिया जाता है ये 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जिसका फिर से लिया जाता है आपका मेंस, यानी सबसे पहले आपका पीटी होगा, सेम सिलेबस मेंस का भी होता है, ठीक। और आपको दोनों में आपको पास होना पड़ता है, फिर मेरिट बनता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। सबसे बड़ी बात आप जानते हैं इसमें क्या सबसे बड़ा दुविधा है, फॉर्म अप्लाई तो होने लगा 27 तारीख से, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरते समय थोड़ा भी त्रुटि किया, बीएसएससी कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोबारा मौका नहीं देता है, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटा से छोटा गलती निकालने की कोशिश करता है, इसीलिए मैं आप लोगों को फिर से आगाह कर देता हूं कि अपना जाति जो बीसी है, नॉन क्रिमिलियर, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, और जो भी अलग कैटेगरी के हैं निवास, ये सभी आप अपना बिहार से हैं तो जरूर बनवा कर रखिएगा। लड़की क्या करेंगे, अपने पिता के नाम पर बनवाएंगे, ध्यान में रखना, बिहार से हो बिहार का बनवाना है, ठीक। अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करते हैं। टोटल सीट की संख्या आपके सामने दिया हुआ है, एज में आपको मिनिमम 18 वर्ष है और बाकी तो मैंने आपको बताया ही था फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो अच्छा खासा एज है, फॉर्म भर सकते हो। क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th होना चाहिए, और एक बात ध्यान में रखो, जो भी सर्टिफिकेट या जो भी डिग्री एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ना, वो उस डिपार्टमेंट द्वारा मांगा जाता है, यानी कि उस जो डिपार्टमेंट है वो खोजता है, तो आपके पास होगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपका वही होगा और वहीं आपको जॉब दिया जाएगा, बस यही होता है, एक बात ध्यान में रखना, ठीक। फिर आपको देखिएगा सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन के प्रोसेस में तो आपको होते हैं एग्जाम, पीटी होता है और मेन्स होता है। पीटी में आप देखोगे कि टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर विस्तृत वीडियो में लेकर आऊंगा। और ये देखोगे ये 150 में आप 50 क्वेश्चन तो सीधे मान लो यहाँ पर रीजनिंग होता है, बहुत बड़ा पोर्शन रीजनिंग का होता है, और रीजनिंग में बढ़त बनाना ही पड़ेगा आपको, 50 में से 40 सही करना ही पड़ेगा अगर अच्छे से आप पास होना चाह रहे हो तो, पीटी के साथ साथ मेंस में मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर आप देखोगे इसके बाद आता है 50 क्वेश्चन, जो ये होता है इसमें होता है आपका मैथ हो जाता है और प्लस साइंस हो जाता है, ये फ्लैक्चुएट करते रहता है, लेकिन दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन होता है। कभी मैथ 27 क्वेश्चन, ज़्यादा मैथ ही होता है, मैथ की संख्या हमेशा ज़्यादा होता है, मैंने देखा है 27 क्वेश्चन मैथ रहेगा तो क्वेश्चन साइंस के जो हो जाएंगे 23 हो जाएंगे, तो ये फ्लैक्चुएट होते रहता है। और तीसरा इसका जो भाग होता है वो जीके होता है, यानी जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर का, जो टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। तो पहले से अगर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा की तैयारी करते अभ्यर्थी बहुत दिनों से आ रहे हैं तो कंपटीशन तो टफ होगा ही, लाखों की संख्या में अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरते हैं। इसमें आपकी सफलता कैसे मिलेगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये सभी देखिएगा, ये सब अलग अलग आपको पोस्ट है, जैसे कि पंचायत सचिव का सबसे ज्यादा लोग चाहने वाले होते हैं, और आपको राजस्व कर्मचारी सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में 12th के बिहार के सबसे बेस्ट जॉब माना जाता है। और 12th लेवल पर अगर बीएससी भर्ती निकाला है, और जिन लोगों का अभी 12th कंप्लीट हुआ है, 18 साल उम्र पूरा हुआ है, उनके लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है, समझ लीजिए। बिहार पुलिस दे रहे हैं, बिहार एसएससी का जॉब आपको आ गया, ये दे रहे हैं, एक भर्ती और आने वाला है 12th लेवल पर, तो यानी कि उनके हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है, बस तैयारी अपना करते रहिए। और बिहार पुलिस वाले उनका तो तैयारी पहले ही से 75 क्वेश्चन का हो चुका है, क्योंकि आप देखोगे ना जो बिहार पुलिस का लेवल है उससे भी कम लेवल का क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है इसमें, यानी साइंस का 25 क्वेश्चन का तैयारी और 50 क्वेश्चन जीके का तैयारी आपका हो चुका है। इसको आपको रिदम में रखना है, यानी कि आपको छोड़ना बीच में नहीं है, नहीं तो यह गबड़ा जाएगा तो फिर समय लग जाएगा तैयारी करने में। सो रिदम बनाए रखना है, और इसमें मैं आपको सहयोगी बनूंगा। फिर आपको 25 जो मैथ होता है और 25 आपको 50 रीजनिंग जो होता है, तो 25 मैथ भी अगर आप पहले से 10 मैथ की तैयारी आप करते होंगे, सो सेम चैप्टर है,
वही सेम टेंथ वाला चैप्टर है, वही आपको फिर इसमें भी रिदम बनाकर रखना है। हाँ, इसमें थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है, थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ रहता है, अर्थमेटिक मैथ ही रहता है, बस आपको तरीका आना चाहिए, एकदम निकाल कर आप आंसर ले जाइएगा और बहुत अच्छे तरीके से इस एग्जाम में आप अपना जगह बना पाइएगा। ठीक है, हर एग्जाम का जब भी भर्ती आता है डिस्ट्रक्शन पॉइंट लेकर आता है, बहुत से लोग कहते हैं ये होगा वो होगा ये होगा, लेकिन बात मानो तैयारी बेहतर होगा तो आपका सिलेक्शन होगा और किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, यानी तैयारी बेहतर करो आपका रिजल्ट जरूर होगा। अब इसके लिए आप जान रहे हैं कि लाखों की संख्या में अभ्यर्थी अपने तैयारी में लगेंगे और लगना भी चाहिए, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो आपको तैयारी में लगना चाहिए। अब हमारे तरफ से क्या दिया जा रहा है, और आप यहां पर क्या बार बार लड़के बोल रहे थे कि सर जी बैच के बारे में अनाउंस कीजिए कब से बैच स्टार्ट होगा, तो सर जी आ जाइए और हम और मैथ वाले सर और एक और टीचर है तीनों मिलकर आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन कराया जाएगा, और जो स्टडी मोड मटेरियल देगा एकदम हूबहू अपडेटेड मटेरियल आपको देगा। फुल मॉक टेस्ट कहीं भी आप देखोगे कि जितना मैं फुल मॉक टेस्ट आप लोगों को कराता हूं, प्रैक्टिस बहुत कम चुनिंदा जगह पर ही कराया जाता है, सो फुल मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा, जो ऑफलाइन में होगा वहीं आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट ऑनलाइन में भी मिलेगा, कि आपको रिदम बना रहे और साथ में आपको यह भी पता रहे कि असल में कंपटीशन कितना चल के आ रहा है। ठीक ना, तो यहां पर आप देखिएगा कि ये जो बैच है ये इसका नाम ही है बिहारी बैच, आप देखोगे कि इस बैच का नाम है बिहारी बैच। ठीक, और ये स्टडी मोड के एप्लीकेशन पर जाओगे, फिर से ध्यान में रखना स्टडी मोड लिखना, देखो लिखना क्या है STUDYMOOD, स्टडी मोड लिखोगे एप्लीकेशन पर तो बैच निकल कर आ जाएगा और उसी में देखोगे बिहारी बैच आएगा। अब बिहारी SSC के लिए है ये, SSC बिहार SSC के लिए है बिहारी बैच, और ये आपको खास तौर पर आप ही लोगों के लिए एकदम देख ताक कर बैच बनाया गया है, और उसमें अभी बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी फायदा ये उठा सकते हैं कि वहां पर मैंने 1000 क्वेश्चन मिक्स अपलोड कर दिया है, ये आपको देखोगे कहीं नहीं क्वेश्चन मिलेगा, 1000 क्वेश्चन मिक्स अपलोड कर दिया गया है। अगर आप अभी बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी चाहेंगे तो ये PDF जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि देखो ओबीसी सी बात है बिहार पुलिस में तो आप फॉर्म अप्लाई किए ही किए, इसमें भी करोगे पढ़ने वाले लड़के हो तो ऐसे तो छोड़ोगे नहीं, और मेरा बात मानो कि बिहार दुर्गा बिहार पुलिस वाले अभ्यर्थी जरूर इसमें आपको अप्लाई करना, और ये सबसे बेस्ट जॉब मैं मानता हूं 12th लेवल पर बिहार में सबसे बेस्ट जॉब है, किरानी का जॉब है, समझिए रहे हो बात क्या है। ठीक ना, तो यहां पर आप देखोगे कि 1000 जीके का मैंने आज ही वहां पर पोस्ट कर दिया है मिक्स क्वेश्चन, और 500 क्वेश्चन मिक्स अब पोस्ट हो जाएगा वहां पर, और ये 1000 क्वेश्चन एकदम मिक्स है, और बात मानो इस 1000 क्वेश्चन में तो 50-60 क्वेश्चन तो आपकी बिहार पुलिस में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, 50-60 क्वेश्चन तो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इसमें कोई दूरी राय नहीं है, और ये क्वेश्चन अपलोड हो चुका है और भी जगह पर आपको अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी आप यहां पर जाते हो तो ये क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो, BSSC के लिए भी बेस्ट होगा और बिहार पुलिस के लिए भी बेस्ट हो सकता है, तो जो भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 10+2 वाला भर्ती के लिए मात्र आप देखिएगा कितना फी रखा गया है 599, और अभी आपको मे भी हो सकता है कि ये आपका फी ज्यादा लगे, हो सकता है, सही बात है कि ये फी ज्यादा लगे, लेकिन इस फी के अंतर्गत आपको इतना मटेरियल मिलेगा कि जिंदगी में आप कहीं नहीं उतना देखे होंगे कि इतना भी दिया जाता है। देखिए मैं पैसा लेता हूं, नो डाउट, जितना फी रखता हूं उससे आपको कई गुना ज्यादा मटेरियल देता हूं और कई गुना ज्यादा मेहनत भी कराया जाता है। ठीक, और एक बात ध्यान में रखिए, ये 599 में और जो मेरे द्वारा कराया जाएगा, सबसे पहले ये जीके और साथ में साइंस, इसका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कराया जाएगा, और साथ में जो जो चैप्टर खत्म कराया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, हर एक चैप्टर में 25 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, और इसका सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ फुल मॉक टेस्ट, यहां पर आप देख सकते हो फुल मॉक टेस्ट भी मिलेगा, यानी कि डेली बेसिस पर आपकी तैयारी होते रहेगा। साथ में ये वाला जो सेक्शन है, देखो इसमें आपको 75-75 हम लोग का सेक्शन बढ़ गया है, सबसे बेस्ट ये है कि 75 सेक्शन सर ये आपको मुकेश सर कराने वाले हैं, और ये 75 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक, ये 75 क्वेश्चन में आपको मैथ और रीजनिंग मुकेश सर कराएंगे, बाकी साइंस और जीके का मैं आपको इतना बार रिपीट और इतना बार रिविजन करा दूंगा, एक क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, करंट अफेयर से लेकर बिहार स्पेशल से लेकर साइंस से लेकर आपको आपको जीके तक जनरल नॉलेज तक। तो जो भी नए अभ्यर्थी होंगे, जो भी सोच रहे हैं, जल्दी से ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि शुरू के 1000 लड़कों के लिए 599 रुपया फी है, और एक बात ध्यान में रखिए मटेरियल एकदम PDF मिलेगा, अपडेटेड मिलेगा, और फुल मॉक टेस्ट भी अपडेट मिलेंगे, सबसे पहले फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, और ये बैच 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो ये जीके जीएस में आप जानते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी, साथ में लोकेशन वाला क्वेश्चन पूछता है, आपके पड़ोसी से क्वेश्चन पूछता है, ये BSSC का ही सिलेबस है और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, करंट अफेयर से आपको 10 से क्वेश्चन 12 पूछता है, तो हर चीज में आपको अपडेट होना पड़ेगा, शुरू से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जीके का अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ का अलग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोनों का अलग क्लास करना पड़ेगा, और साथ में मिक्स आपको फुल मॉक टेस्ट लगाना होगा, तब जाकर आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगा। सर बताएंगे कि मैथ रीजनिंग की तैयारी कैसे होगा, मैं यहां पर बता दूं कि शुरू के 1000 लड़कों के लिए आपको समझ सकते हैं कि ये गिफ्ट भी है कि वहां पर आपको क्वेश्चन 1000 अपलोड है, अभी आप जाओगे तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, सो ये मात्र आपको 599 रुपया में आप देख सकते हो। बाकी आप सर बताएंगे कि मैथ रीजनिंग के बारे में कैसे क्या होगा, क्लास क्या होगा,
सर बताइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में वैकेंसी की भरमार है ना, और बिहार में ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रह सकती है। तो आप आए दिन देख सकते हैं कि बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है और एक ही स्टूडेंट मल्टीपल तैयारी करते हैं, मल्टीपल चीज़ों का तैयारी करते हैं, वही स्टूडेंट बिहार पुलिस, बिहार SSC, यानी अपने योग्यता और हाइट वगैरह के अनुसार वह तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैथ रीजनिंग की बात करेंगे हम, मैथ और रीजनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, मैथ और रीजनिंग आप देखेंगे कि रीजनिंग से पूरे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैथ से 25 से लेकर के लगभग 28 क्वेश्चन तक के देखा गया, 25 से 28 क्वेश्चन तक यह देखा गया है कि पूछा गया। अगर आप 2017 का सिलेबस उठा करके देखते हैं, जो एग्ज़ाम हुई थी फिर कैंसिल हुआ और उसको 2020 ऐसे में लिया गया, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो उस समय का लेवल था थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पढ़ाई का साधन बढ़ा है, तो वहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा बहुत आगे जाएगा। तो उसको देखते हुए आगे हम लोग को तैयारी करवाना है और आपको भी तैयारी करना है, ताकि हल्का सा अगर लेवल भी बढ़ाए तो आप पीछे न रहें। हम लोगों का एक ही मकसद है, आप लोगों को रिजल्ट तक पहुंचाना, और रिजल्ट तब होगी जब आप भी संघर्ष करेंगे और हम भी आपके साथ साथ संघर्ष करेंगे, यानी दोनों आदमी मिल करके इतना संघर्ष करना है कि रिजल्ट हो जाए। और हाँ, एक चीज़ और, जो शुरुआत सबसे पहले करता है विजय का पताखा वही लहराता है, तो देर नहीं करना है अभी से ही, क्योंकि फॉर्म भरना आपका अलग है और आपका पढ़ाई करना वो अलग बात है। तो पढ़ाई अभी से ही शुरू कर दीजिएगा, जितना जल्दी शुरू कर दीजिएगा उतना जल्दी आप सभी चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि वैसे क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, वैसे लेवल के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे कि हल्का सा ऊपर लेवल भी बढ़ाता है, तो आप वहाँ पर घबराएंगे नहीं। और वहाँ पर रीजनिंग और मैथ की बात की जाए तो यह आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर 50 में आप सोचते होंगे कि हम 40 तो बनाइए लेते हैं, 35 तो बनाइए लेते हैं, लेकिन सोच के देखिए जो 48, 49 और 50 में 50 जो ठोक के आएगा, तो सोच के देखिए वह आपको तो लपेट देगा बढ़िया से। तो इतना कोशिश करना है कि 50 में 50 ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें 49-48 का तैयारी करना, न कि 40 और 45 का, 49 और 48 का तैयारी करना है। और ऐसे तैयारी करना है कि यहाँ से जितना हो सके उतना ज़्यादा नंबर आप ला सकते हैं। जीके ये सब तो आप पढ़े हैं, पढ़ते रहते हैं, सर भी इतना चीज़ पढ़ाएंगे आपको, और जितना मटेरियल मिलने जा रहा है यहाँ से, यहाँ विश्वास ही है, स्टडी मूड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा कि मैथ्स आपका 25 से 28 क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग को क्या करना है कि 20 प्लस के आंकड़ा लेकर के चलना, 19 नहीं होना चाहिए, 20 प्लस हमें मैथ करना है और 45 प्लस रीजनिंग करना। जैसे यहाँ पे 65 प्लस आपका आया, आप सेफ जोन में चले गए, तो ये चीज़ करना। और बाकी बात जो है, इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ाए जाएंगे मैथ में और रीजनिंग में, कौन से चैप्टर से कितने नंबर पूछे जाते हैं, ये सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए एक स्पेशल आपको मिलने वाला है वीडियो, ठीक है। आने वाले समय में आप देखोगे कि सर मैथ रीजनिंग का सिलेबस एक एक टू द पॉइंट क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है बता देंगे, और GKGS का मैं आपको अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा, ठीक। अभी क्या करना है कि अभी आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और बात मानिए कि फी रखा गया है इसलिए क्योंकि मटेरियल तैयार करने में काफ़ी लोग लगते हैं, ठीक, 8 से 10 लोगों का टीम लगता है, और टीम लगता है, मटेरियल तैयार होता है, तब जाकर आपके पास पहुंचता है, और फिर उसका सोल्यूशन कराना, हर एक चीज़ का डाउट लेना, ठीक। तो यही आपको, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया इसलिए मैं इसे छोटा ही रखना चाह रहा हूँ,
बाकी आप समझिएगा, एक एक डाउट का जवाब आपको मिलेगा। 5 अक्टूबर से आपको क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर तक यह है, आपको इस ऑफर का लाभ उठाइए शुरू के 1000 लड़कों के लिए। और 5 अक्टूबर से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, और जीके जीएस का, सभी का। और जितना जल्दी हो सके सिलेबस खत्म करना है, रिविजन करवा देना है एग्जाम से पहले 2 से 3 बार, कि आपके एकदम सीट सिक्योर हो जाए। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर डाउट है तो जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।